नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी की खबर के साथ। बता दें आपको कि बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। आपको बता दें कि पूजा अर्चना उन्होंने की है। बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी केदारनाथ पहुंच चुके हैं, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की है। पारंपरिक पहाड़ी परिधान चोल डोरा पहने दिखाई दिए हैं पीएम नरेंद्र मोदी, और पीएम मोदी ने केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में विधि विधान से पूजा अर्चना की है। और केदारनाथ मंदिर के बाहर पीएम मोदी से मिलने के लिए वहां पर लोग जो मौजूद थे, उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की है। और बाबा केदार के दर में पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल पर पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। केदारनाथ धाम में विकास कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम में ही पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की है, और केदारनाथ बद्रीनाथ में सुरक्षा व्यवस्था की कड़ी व्यवस्था दिखाई दे रही है। और मंदाकिनी आस्था पथ और सरस्वती आस्था पथ का निरीक्षण करने वाले हैं पीएम नरेंद्र मोदी। बड़ी जानकारी आपको दे दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शुक्रवार को सुबह लगभग 8:30 बजे केदारनाथ मंदिर पहुंचे। यहां पीएम मोदी ने केदार बाबा की पूजा अर्चना की है, और इस क्रम में ही पीएम मोदी ने भगवान शिव का रुद्राभिषेक भी किया है। पीएम मोदी इसके बाद आपको बता दें कि 9.7 किलोमीटर लंबे गौरीकुंड केदारनाथ रज्जू मार्ग परियोजना की आधारशिला रखेंगे, और इसके साथ ही प्रधानमंत्री सुबह करीब 8:30 बजे बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे। और इतना ही नहीं, वहां पर पूजा अर्चना भी करने वाले हैं पीएम नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात है। और इससे पहले प्रधानमंत्री के देहरादून के निकट जोली ग्रांट हवाई अड्डा पहुँचने पर ही राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने उनकी अगवानी की, और दोपहर बाद ही वो बद्रीनाथ के निकट में मौजूद सीमांत माड़ा गांव में सड़क और रज्जू मार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और लोगों को संबोधित भी करेंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी की, जहां पर आस्था में लीन दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री और सर झुकाकर प्रणाम कर रहे हैं। केदारनाथ से आपको सीधी तस्वीर हम आज दिखा रहे हैं, जहां पर पारंपरिक पहाड़ी परिधान पहने हुए नजर आए, और इसके साथ ही इसके बाद वो अराइवल प्लाजा और झीलों के सौंदर्यीकरण कार्यों की प्रगति की समीक्षा जो है वो भी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री शुक्रवार को रात्रि विश्राम बद्रीनाथ में ही करेंगे। और धामी ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री का केदारनाथ और बद्रीनाथ का ये दौरा उत्तराखंड के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि इन जगहों पर शुरू हो रही है कनेक्टिविटी परियोजनाएं और धार्मिक महत्व के स्थान पर पहुंचकर वो आसान बनाने और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं केदारनाथ से, जहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी आस्था में लीन नजर आ रहे हैं। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तराखंड से संवाददाता पुष्कर नेगी। पुष्कर, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं केदारनाथ में, सर झुकाकर केदारनाथ में वहां पे प्रणाम भी कर रहे हैं, अभी के क्या अपडेट है? देखिए सुमन, प्रधानमंत्री का जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम था, वो जो जनपद चमोली और जनपद रुद्रप्रयाग के अधिकारी को भेज दिया गया था, उसका जैसा जो कार्यक्रम था सुबह 7:30 बजे जो है केदारनाथ धाम में पहुंचे, यहाँ पे जो है पूजा अर्चना की, या पूजा अर्चना करने के बाद जो है केदारनाथ और गौरीकुंड के लिए जो रोपे यहाँ पे बनना है, इसका भी शुभारंभ यहाँ पे कर दिया गया है, इसका लोकार्पण भी यहाँ पे कर दिया गया। उसके बाद जो आपने देखा होगा तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरह से जो प्रधानमंत्री ने यहाँ पे पूजा अर्चना की, आधा घंटे इन्होंने यहाँ पे प्रधानमंत्री ने यहाँ पे पूजा अर्चना की, और जो नंदी है बाहर में जो केदारनाथ भगवान जी के मंदिर के सामने जो नंदी है, इसको प्रणाम किया। और उसके बाद जो है शंकराचार्य की जो समाधि है, आस्था पथ है, इनका यहाँ पे उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया। और जो समय था कि 8:30 बजे से लेकर और 9 बजे तक का जो कार्यक्रम इनका जो है केदारनाथ का था, यहाँ पे पूजा अर्चना की, और उसके बाद जो है बाहर के जो पंडित हैं या तमाम सारे जो लोग हैं इनसे मिले हैं और इनकी इनसे जो है गैदरिंग की है। हालांकि अभी मैं आपको दे दूं सुमन की नरेंद्र जो है बद्रीनाथ के लिए निकल चुके हैं, और 11 बजे 11:30 बजे का जो टाइम है बद्रीनाथ था था, तो वो पूजा अर्चना मंदिर में करेंगे। और उसके बाद जो है माणा गांव, जो अंतिम गांव माणा है, यहाँ पे जो है एक विकास जनसभा को भी यहाँ पे संबोधित किया जाएगा। अगर सुरक्षा व्यवस्था की सुमन में बात करो तो चाहे केदारनाथ हो चाहे बद्रीनाथ हो, दोनों जिलों की जो पुलिस
एसपीजी तमाम सारे जो सुरक्षा अधिकारी हैं, सुरक्षा कर्मचारी हैं, टप्पे टप्पे पे गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। और जीरो जोन अभी कुछ समय बाद ही जो है जीरो जोन इसको घोषित कर दिया जाएगा बद्रीनाथ को। तो 500 मीटर का जो एरिया है, या आप हमें कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जैसे ही जो है बद्रीनाथ हेलीपैड पे पहुंचेंगे, उसके बाद जो है कार से जो है मंदिर जो है भगवान नारायण का मंदिर है यहाँ पे जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे। और उसके बाद जो है 12 बजे का जो समय है बद्रीनाथ में यहाँ पे विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। हालांकि वहां पर पीएम नरेंद्र मोदी ने जो श्रद्धालु वहां पर केदारनाथ में पहुंचे हुए थे उनसे मुलाकात भी की है और उनके साथ भी बातचीत की हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सुमन, क्योंकि प्रधानमंत्री का आपने देखा होगा कि लगातार जिस तरह से जो दौरे होते हैं या जिस तरह से उनका कहीं भी जाना होता है, तो चाहे वो छोटा बच्चा हो या कोई बुजुर्ग हो या कोई यात्री हो या कोई ऐसा आदमी हो जो नहीं मिल पाता है प्रधानमंत्री, उनसे वो बात करते हैं, उनसे वो पूछते हैं, उनकी तमाम सारी जो भी उनकी समस्याएं होती हैं सुनते हैं। तो केदारनाथ में भी ठीक ऐसा ही हुआ कि यहाँ पर जो यात्री यहाँ पे पहुंचे थे उनसे वार्तालाप किए, वार्तालाप करने के बाद उनकी समस्या जानने की कोशिश की। हालांकि प्रधानमंत्री आपने देखा हो कि उत्तराखंड में उनका लगाव जो है हमेशा बना रहता है, क्योंकि केदार हो गया, चाहे आपका बद्री हो गया, चाहे जो हमारे धार्मिक स्थल है, लगातार जो है इसको जो है डेवलप करने की बात करते हैं। अगर माना कि अगर मैं बात करूं तो पलायन को लेकर सबसे बड़ी समस्या जो है हमारे सीमांत गांव की हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे कनेक्टिविटी से लेकर सड़क से लेकर इनका भी जो जनपद तुम्हें, क्योंकि सुमन देखिए सबसे ज्यादा अहम बात यह की 34,000 करोड़ रुपए का जो है आज जो है नरेंद्र मोदी जो है उत्तराखंड को सौगात देंगे, चाहे वो चमोली हो या रुद्रप्रयाग हो। सुमन जी पुष्कर, आगे भी हम आपसे अपडेट देते रहेंगे और आप बने रहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ पहुंचे, जहां पर उन्होंने पारंपरिक पहाड़ी परिधान चोल डोरा पहने हुए नजर आए हैं और आस्था में लीन नजर आए हैं। और इसके साथ ही वहां पर जो श्रद्धालु थे केदारनाथ में पहुंचे हुए थे उनसे मुलाकात भी की है और इसके बाद भी कार्यक्रम लगातार प्रधानमंत्री का जारी रहेगा। आपको बता दें कि बाबा केदार के दर में पीएम नरेंद्र मोदी पहुँच चुके हैं और पारंपरिक तरीके से ही उन्होंने वस्त्र पहने हुए थे। चलिए एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। अमित शाह को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान सामने आ गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, शाह जम्मू कश्मीर के युवा आज पंच सरपंच बन गए हैं, ऐसा कह रहे हैं अमित शाह। बड़ी जानकारी आपको दे दें, बड़ा बयान अमित शाह ने दे दिया है। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर के युवा आज पंच और सरपंच बन गए हैं और सरपंच बनकर युवा लोकतंत्र को बढ़ावा दे रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें, अमित शाह को लेकर जो बड़ा बयान सामने आया है, जम्मू कश्मीर में पहले पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी, ऐसा अमित शाह कह रहे हैं। बड़ा बयान अमित शाह की तरफ से आया है सामने, गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया है जम्मू कश्मीर के युवा को लेकर। उनका साफ तौर पर कहना है कि सरपंच बन रहे हैं अमित शाह। इसके साथ ही आपको बता दें कि बड़ा बयान जो दे रहे हैं अमित शाह की सरपंच बनकर युवा लोकतंत्र को लेकर ही जो बयान उनका सामने आया है कि लोकतंत्र को लेकर बढ़ावा दे रहे हैं युवा। तो गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दे दिया है जम्मू कश्मीर को लेकर, जहां पर उनका साफ तौर पर युवा को लेकर बयान सामने आया है, जहां पर सरपंच बनकर युवा लोकतंत्र को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसा अमित शाह कह रहे हैं। बता दें आपको कि बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर अमित शाह का बयान जो है वो सामने आ चुका है, सरपंच और पंच को लेकर उन्होंने बयान दे दिया है। चलिए एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें कि अगले साल जून में ही होगी चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, आपको बता दें कि अगले साल जून में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग होने जा रही है। चांद की सतह पर खोज के लिए इसरो का मिशन है और फेल हो गया था। आपको ये भी बता दें कि चंद्रयान 2 जो मिशन था वो फेल हो गया था, जिसके बाद फिर से कोशिश लगातार जारी है और चंद्रयान 3 की जो तैयारी है वो लगातार जारी है। चांद की सतह पर खोज करने के लिए लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है और C2 से बिल्कुल अलग है चंद्रयान 3। आपको जानकारी दे दें, यान की इंजीनियरिंग बिल्कुल ही अलग बताई जा रही है। 2024 के अंत तक इस मिशन के बारे में बताया गया है। आपको बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने अगले साल जून महीने में चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की योजना बनाई है और ये अभियान
भविष्य में चांद की सतह पर खोज करने के लिहाज से महत्वपूर्ण अभियान माना जा रहा है और संगठन ने अगले साल की शुरुआत में देश के पहले मानव अंतरिक्ष यान गगनयान के लिए ही एबोर्ट मिशन की पहली परीक्षण करने की तैयारी भी की है। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने एक कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा है कि चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्चिंग यान मार्क 3 के जरिए अगले साल जून में किया जाएगा। इसके बाद उन्होंने कहा है कि एबोर्ट मिशन और मानव रहित परीक्षण उड़ान की सफलता के बाद इसरो ने 2024 के अंत तक भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष कक्ष में भेजने की योजना बनाई है। आपको बताते चले कि फेल हो गया था मिशन जो चंद्रयान 2 का, वो फिर से अब तैयारी जो है वो लगातार जारी है। सितंबर 2019 में चंद्रयान 2 मिशन के दौरान लैंडर विक्रम का चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और इसके बाद ही भारत का वहां यान उतरने पहला प्रयास विफल रहा था। और सोमनाथ ने कहा था कि C3 के बारे में बात करते हुए उन्होंने जानकारी दी, यह यान C2 के बिल्कुल अलग है और इस यान की इंजीनियरिंग जो है वो बिल्कुल ही अलग बताई जा रही है। हमने इसे काफी मजबूत बनाया है, ये उनका कहना है, ताकि इसमें पिछली बार जैसी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और इसके साथ ही इसके सफल की कामना भी की जा रही है। आपको बता दें कि चंद्रयान 2 जो है वो विफल हो गया था, जिसके बाद चंद्रयान 3 की जो तैयारी है लगातार जारी है। बड़ी खबर आपको बता दें, फरुखाबाद से सामने आ रही है, जहां पर दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। फरुखाबाद से आपको बता दें कि फरुखाबाद से बड़ी खबर सामने आई है, ट्रक कार की आमने सामने भिड़ंत हो गई है। बड़ी जानकारी दे दें, फरुखाबाद से भिड़ंत में 3 युवकों की मौत बताई जा रही है। बता दें आपको, ट्रक कार की भिड़ंत में 3 युवकों की मौत हो चुकी है और ट्रक कार की भिड़ंत में कार के बड़खच्चे जो थे वो उड़ चुके हैं। कार की हालत जो है वो बहुत खराब बताई जा रही है। ऐसी स्थिति में एक्सीडेंट हुआ है कि कार में बैठी 4 सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गई हैं और 3 युवकों की मौत बताई जा रही है। सभी घायलों को फिलहाल जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां पर जिला अस्पताल के डॉक्टर ने 2 युवकों को मृत भी घोषित कर दिया। फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के इटावा बरेली हाईवे का मामला बताया जा रहा है, जहाँ पर सड़क हादसे में मौत का मामला सामने आया है। जहाँ पर आपको बता दें कि कार की आमने सामने भिड़ंत हुई थी, ट्रक और कार में भिड़ंत हुई, जिसमें 3 युवकों की मौत बताई जा रही है। बड़ी जानकारी दे रही है फरुखाबाद से, जहां पर सड़क हादसे की खबर सामने आई है, कार और ट्रक में भिड़ंत हो गई, जिसमें युवकों की मौत बताई जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो घायल है उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहाँ उनका उपचार लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।